अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। ओके बेटा, मेरा ना एक्चुअली जूम थोड़ा कोई प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए आज क्लास में थोड़ा लेट हो गए हैं। जस्ट वेट अ मिनट। ओके सो बच्चे, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे। कोई स्टूडेंट रिव्यू करेगा आपने हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, या आप लोग ईद गुजार के आए हैं, किसी ने कुछ भी नहीं मैम पढ़ा? तो एक्सरे के बारे में पढ़ा था। बच्चे हाँ, हमने एक्सरे बेसिक के व्यूज पढ़े थे कि व्यूज अगर पढ़े थे। काइटेनियस का फ्रैक्चर है तो हम कौन सा व्यू करेंगे, ऐसे टेबुलर का फ्रैक्चर है तो कौन सा व्यू करेंगे। ठीक है बेटा, और उसके अलावा मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया था ना, पार्ट्स मैम ही पूरा लेक्चर हो गया अपर लिम था। और लोअर लिम के एक्सरेज भी पढ़ लिए थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अपर लिम में आपने जो एक्सरेज है मेजर जॉइंट्स जो है बेसिकली हमारे, और जो लोअर लिम के मेजर जॉइंट्स हैं उनको हमने जो लेबलिंग करनी है बेसिकली, वो आपने किस तरह करनी है। ठीक है, सो आज जो है वो बेसिकली लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताना है थोड़ा सा कि इसमें हम लोगों ने कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऐड की हैं। ठीक है, कि आपने, क्योंकि हमने नॉर्मल एक्सरेज तो देख लिए थे ना कि लेबलिंग किस तरह की होगी। ठीक है, नॉर्मल एक्सरेज आपको पता चल गए हैं। अब जो है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस। कुछ तो मैंने आपको फ्रैक्चर्स वगैरह पढ़ाए थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ डिसलोकेशंस हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ अगर बोन जो है वो पोरस हो गई है तो वो किस तरह से आपको एक्सरे पे नजर आएगी, या कुछ और जो कॉमन हमें पेशेंट्स में कंडीशंस मिलती हैं। ठीक है, जो एक्सरेज पे आपको नजर आती हैं वो मैंने जो है वो कुछ ऐड करने की कोशिश की है। ये आपको जो है वो हेल्प आउट करेंगी आपके जो सिनेरियो बेस्ड एग्जाम होगा उसके अंदर। ठीक है बच्चों, सो नंबर वन पे ये सारी, आज हमारा लेक्चर जो है वो बेसिकली उसमें इसी तरह से ये सारे मैंने इमेजेस बेसिकली एक्सरे इमेजेस जो है वो ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो है वो इसमें आइडेंटिफाई करना होगा हर इमेज के अंदर, हर एक्सरे फिल्म के अंदर, कि क्या चेंज जो है वो उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, अब आप सब लोग भी जो है वो खुद से जब भी कोई मैं जो है नई स्लाइड शो करती हूँ तो उसमें एक दफा देखें। ठीक है, और माइंड में देखें और खुद से सोच लें उसका आंसर, कि क्या आपको इसके अंदर जो है वो चेंज नजर आ रहा है। ठीक है, या ये आइदर नॉर्मल है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली अब आपको नजर आ रहा है हमारा ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट है। ठीक है जी, तो ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर उसका आंसर भी साथ साथ ऐड किया हुआ है। ओके जी, डायग्नोज एंड आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर सीन इन अबव एक्सरे, नॉर्मल कॉन्फिग्रेशन ऑफ ह्यूमरस ऑन एन एपी इमेज। ठीक है जी, तो बेसिकली क्या था कि मैंने आपको क्वेश्चंस भी साथ इसलिए ऐड किए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आपका स्टेरियो बेस्ड एग्जाम होगा जब, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो आपका मिड टर्म होगा, जो फाइनल होगा, वो रिटर्न होता है, तो उसमें आपका स्नैरियो बेस्ड ही होगा। ठीक है, तो उसमें इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे कि आइडेंटिफाई करें स्ट्रक्चर को, ठीक है, एक्सरे से, या एक्सरे से डायग्नोज करें कि क्या कंडीशन है पेशेंट की यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, तो बेसिकली ये जो है ये हमारे पास नॉर्मल ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट जो है उसका एक्सरे इमेज है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई इस तरह की कोई डिसलोकेशन नहीं है, कोई फ्रैक्चर हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, या कोई और सबलग्जेशन नजर नहीं आ रही। ठीक है, या कोई भी और जो है वो इसके अंदर हमें डिफॉर्मिटी या जो है कोई एबनॉर्मैलिटी जो है वो नजर नहीं आ रही। ठीक है बेटा, अब इसके अलावा आप लोगों ने, जैसे मैंने आप जब हमने एक्सरे पढ़ाए थे मैंने आपको, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सरे फाइंडिंग्स के अंदर आपने क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। ठीक है ना, वो कॉर्टिकल आउटलाइंस जो हमने पढ़ी थी, आपने जो है वो एनाटॉमिकल बॉर्डर्स देख लेने हैं। ठीक है, बोन की हेल्थ स्टेटस देखना है, आपने ज्वाइंट स्पेस देखनी है, वो सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वो आपने अब हर एक्सरे के अंदर, जब भी आपने एक्सरे देखना है, वो सारे पॉइंट्स जो है वो आपने खुद से माइंड में रखने हैं, और उस तरह से जो है वो आपने उसको फॉलो करते हुए एक्सरे को जो है वो देखना है। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट, हाँ दिस ये एक्सरे है। ठीक है जी, इस एक्सरे में आप देखें, ये अभी मैंने आपको एक नॉर्मल ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट का एक्सरे दिखाया था। ठीक है, अब आप देखें कि इस एक्सरे में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, इसमें हमें कुछ चेंज नजर आ रहा है, यानी कि ये एक नॉर्मल एक्सरे नहीं लग रहा। ठीक है, ये देखिए, ये कोरकोइड प्रोसेस आ गया, ये ग्लिनोइड फोसा है, और ह्यूमरस जो है वो कहाँ से, अपनी जगह से इसको यहाँ होना चाहिए था ह्यूमरल हेड को। ठीक है, लेकिन ये ह्यूमरल हेड कहाँ आ गया, इधर आ गया। इसका मतलब है क्या हुआ है, कोई ना कोई यहाँ पे चेंज आया है। ठीक है जी, तो हम क्या देख लेते हैं, इंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर, एक्सियल व्यू कंफर्म्स द इंटीरियर पोजिशन ऑफ द ह्यूमरल हेड। ठीक है जी, तो बेसिकली क्या है, ये आपके डिसलोकेशन हुई हुई है, इंटीरियर डिसलोकेशन हुई हुई है शोल्डर की। ठीक है, अभी जब मैंने एक और आगे इमेज ऐड किया हुआ है उसमें मैं आपको मजीद क्लियर कर दूंगी कि जो शोल्डर की डिसलोकेशन होती है, इंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर। ठीक है, तीन तरह की बेसिकली हमारे पास होती है,
तो इसमें से आपने उसको बेसिकली डिफ्रेंशिएट किस तरह से करना है, ठीक है, इंटीरियर को किस तरह से पोस्टीरियर से करना है और इंफीरियर से जो है वो इन तीनों को आपने आपस में किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, अब आपको नजर आ रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये हेड से अपना निकल के फोसा से यहाँ पे आ गया, ये बेसिकली डिसलोकेशन हो चुकी हुई है, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब जब आपकी स्पॉटिंग मैंने आपको असेसमेंट प्लान शेयर किया था बेटा, और उससे मैंने आपको बताया था कि आप स्पॉटिंग जो है वो मैं आपसे करवाऊंगी, ठीक है। तो जब आपने स्पॉटिंग होगी तो उसमें भी इसी तरह ये होगा कि एक्सरे के ऊपर मैंने मार्किंग की होगी और उसमें से आपने बताना होगा, ठीक है, कि ये जो है वो क्या है, कोरोकोइड प्रोसेस है, ठीक है जी, ये हमारे पास क्या था, ग्लिनोइड फोसा था, ठीक है, और ये हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस था। इसी तरह से अगर मैं आप यहाँ पे लेबल किया होता तो ये आप मुझे बताते कि ये जो है वो क्या है, क्लैविकल है, ठीक है। ये मैंने यहाँ किया होता तो आप मुझे बताते कि ये ह्यूमरल हेड है, ये शाफ्ट है। तो जहां जहां पे पिन पॉइंट किया होगा वहां वहां से आपने बताना है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बच्चों कहा था कि आप सब लोग जो है वो गूगल के ऊपर नॉर्मल एक्सरे लिखें, ठीक है, शोल्डर का नॉर्मल एक्सरे लिखें, हिप का लिखें, सारे नॉर्मल एक्सरेज, वहां से इमेजेस निकालें और वहां से इसको एज एन एक्टिविटी जो है उसको लेबलिंग जो है वो आप लोग खुद से स्टार्ट कर दें, ठीक है। वो जब आप इस तरह से लेबलिंग स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपको खुद ही से पता चल जाएगा, कभी भी कोई भी एबनॉर्मल एक्सरे देखेंगे कि वहां पे क्या एबनॉर्मेलिटी आ रही है, कोई डिफॉर्मिटी है, कोई डिसलोकेशन है, कोई फ्रैक्चर है या क्या है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट कंडीशन, थर्ड कंडीशन अब ये है हमारे पास इस वक्त शो हो रही, ठीक है, ये आपके पास बेसिकली एल्बो ज्वाइंट है, ठीक है। नेम द ज्वाइंट ऑफ अबव एक्सरे, फाइन एबनॉर्मेलिटी, नेम द स्ट्रक्चर यू सीन इन एक्सरे, ठीक है। अगेन ये मैंने सारे क्वेश्चन इसलिए ऐड किए हुए कि इसी तरह से ही आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे जब भी आपसे स्पॉटिंग होगी, ठीक है, या आपसे इवन रिटन क्वेश्चन जो रिटन आपका सैरियो बेस्ड एग्जाम होगा उसमें भी आपको इस तरह से कोई एक्सरे शो किया जा सकता है और उसमें नीचे इस तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या बताना है जी, ये कौन सा ज्वाइंट है हमारे पास अबव एक्सरे में, ठीक है जी, हमारे पास कौन सा है, एल्बो ज्वाइंट है, ठीक है। अगेन देन फाइंड एबनॉर्मेलिटी, कोई एबनॉर्मेलिटी आपको वहां पे नजर आ रही है, एबनॉर्मेलिटी भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, या अगर डिफॉर्मिटी लिखा है तो फिर आप डिफॉर्मिटी ढूंढें, अगर एबनॉर्मेलिटी लिखा है तो उसका मतलब है कि फ्रैक्चर भी हो सकता है, डिसलोकेशन भी हो सकती है, सबलग्जेशन भी हो सकती है, मतलब कोई ना कोई चीज ऐसी है जो कि नॉर्मल ज्वाइंट को नहीं रहने दे रही, ठीक है। तो वो एबनॉर्मेलिटी में आपने वो फिर चीज देखनी नहीं कि वो क्या है। नेम द स्ट्रक्चर यू सीन इन द एक्सरे, ठीक है जी। बेसिकली ये एक्सरे हमारे पास ओलिक्रोनन प्रोसेस का फ्रैक्चर है, ठीक है। अब हम यहाँ वापस आते हैं तो हमें नजर आएगा कि ये देखिए, ये ओलिक्रोनन प्रोसेस था, इसका ये फ्रैक्चर है, ठीक है। ये आपको लेटरल व्यू में जो है वो ज्यादा पता चल रहा है एज कम्पेयर टू द एपी व्यू, ठीक है। यहाँ पे हमें इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन लेटरल व्यू में जो है वो हमें ज्यादा पता चल रहा है कि ये ओलिक्रोनन प्रोसेस का जो है वो क्या है, फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। इसके अलावा वहां पे क्वेश्चन था कि बताएं कि और कौन से स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या नजर आ रही है, रेडियस नजर आ रही है, अल्ना नजर आ रही है, ठीक है, रेडियस का हेड नजर आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या नजर आ रहा है, ह्यूमरल शाफ्ट नजर आ रही है, डिस्टल पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट है, ओलिक्रोनन प्रोसेस है, एपिकंडाइल्स है, ठीक है। वो सारा जो जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं वो साथ साथ आपने वहां पे फिर एक एक स्ट्रक्चर आपने मेंशन करना होगा, ठीक है ना। यानी कि इस, अब फॉर एग्जांपल इस एक्सरे में हमें क्या क्या नजर आ रहा है वो आपने सारा एक एक पॉइंट बताना है कि अल्ना भी है, रेडियस भी है, और फिर स्पेसिफिकली अगर आप बता दें तो ज्यादा अच्छा है कि रेडियस का हेड नजर आ रहा है हमें, ठीक है, और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द अल्ना है, ठीक है, और इसी तरह से डिस्टल पार्ट ऑफ द ह्यूमरल हेड है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप बताएंगे तो वो जो है वो आपको ज्यादा मार्क्स जो है वो मिलने के चांसेस होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये अनदर केस था। अब ये एक और एक्सरे है हमारे पास, ठीक है जी। अगेन ये हमारे पास एक ओब्लीक व्यू है और ये है हमारे पास एक एपी व्यू, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द ज्वाइंट ऑफ द अबव एक्सरे, फाइंड एबनॉर्मेलिटी, नेम द स्ट्रक्चर्स यू सीन इन द एक्सरे, नेम द साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब आपने क्या करना है इसमें, अगेन आप क्वेश्चन बच्चों सारे नोट कर लें, यानी कि अब आपने जब भी एक्सरे देखना है तो आपने उसमें सारा कुछ देखना है, ठीक है। एक तो लेबलिंग है ना, उसके अलावा मेजर ज्वाइंट वो है कौन सा, ठीक है। उसके अलावा जो साइड पे स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं वो भी आपने मेंशन करने हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड हो गया जो कि पिछली स्लाइड्स में नहीं था, वो क्या है, नेम द साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, कि पेशेंट का राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड का एक्सरे, ठीक है। वैसे तो एक्सरे के ऊपर ये मेंशन होता है, जब आप पेशेंट का देखते हैं ना एक्सरे तो उसके ऊपर मेंशन होता है कि ये कौन सा साइट है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, मेटाकार्पल का फ्रैक्चर हुआ हुआ, ठीक है। ये आपको शायद नजर आ रहा होगा, ये लाइन, ठीक है, ये मेटाकार्पल का फ्रैक्चर हुआ हुआ बेसिकली इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये इसी तरह से आपको जो है वो नजर आएंगे, चेंजेस नजर आ जाएंगे एबनॉर्मेलिटीज। अब आपने जब भी कोई एक्सरे देखना है तो क्या करना है, एक तो वो सारी फाइंडिंग्स जो मैंने आपको बताई हुई है वो देखनी है, ठीक है। उसके अलावा आपने जो फाइंडिंग्स लिखनी है वो क्या लिखनी है, कि साइड ऑफ द बॉडी कौन सी है, राइट साइड ऑफ द बॉडी है या लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी है, ठीक है। सेकंड आपने लिखना है कि ज्वाइंट, मेजर ज्वाइंट आपको कौन से नजर आ रहे हैं, ठीक है, कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है,
रिस्ट ज्वाइंट नजर आ रहा है, रेडियो अल्नर ज्वाइंट नजर आ रहा है, ठीक है, ज्वाइंट्स हमने लिख लिए। उसके बाद फिर आपने क्या लिखना है कि कोई जो अबनॉर्मेलिटी हमें नजर आ रही है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है ये मेटाकार्पल का फ्रैक्चर जो है वो हमें नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो और क्या मेंशन करना है, स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही है मेरी अभी? जी मैम, यस मैम। ठीक है बच्चों, तो अब ये पॉइंट्स आप देख लें, माइंड में रख लें, ठीक है, कि साइड ऑफ द बॉडी आपने देखनी है, ठीक है, आपने स्ट्रक्चर्स जो एक्सरे में नजर आ रहे हैं वो सारे मेंशन करने होंगे, एबनॉर्मेलिटी देखनी होगी, ठीक है, मेजर जॉइंट्स जो आपको नजर आ रहे हैं वो भी लिखने होंगे वहां पे, ठीक है, और डायग्नोसिस क्या बन रहा है वो भी आपने लिखना है, क्योंकि रेडियोलॉजी है तो इसमें आपको जो भी सिनेरियो बेस्ड होगा वो इसी तरह ही होगा। लेकिन एक और बात बच्चों, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि जब भी आपको कोई भी सिनेरियो बेस्ड दिया जाएगा तो वो आपको यूजली हम केस बना के देते हैं, ठीक है, कि एक पेशेंट आया और वो गिर चल रहा था, ठीक है, और वो किसी भी तरह से उसका फॉल एंड आउटस्ट्रेच हैंड हो गया, और उसके बाद जो है वो उसने अपना एपीवी एक्सरे का करवाया और ये जो है वो एक्सरे नीचे अटैच्ड है, तो अब आप ये सारी चीजें इसमें से बताएं, ठीक है। तो वो आपने कभी भी इस तरह नहीं आएगा, खाली आपको ये एक इमेज के साथ ये स्ट्रक्चर्स भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन सिनेरियो बेस्ड जब होता है तो हम एक सिनेरियो बना के पेशेंट का फिर आपको देते हैं, ठीक है। तो आप भी जब पढ़ें तो ये थोड़ा सा साथ देख लीजिएगा कि सिनेरियो इसका किस तरह से बन सकता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास ये आ जाती है, ठीक है। अब आप ये देख लें, ये जो है वो अगेन बेसिकली एपी व्यू है शोल्डर का, ठीक है, लेकिन अगेन वही बात है कि पेशेंट आपके पास किस कंप्लेन के साथ आया है, ठीक है, तो उन्होंने फोकस किया हुआ है साथ क्लाविकल के ऊपर। अब हम यहाँ देख लेते हैं, नेम ज्वाइंट हो गया, अगेन वही सारे क्वेश्चन है, सेम फ्रैक्चर ऑफ द मिडल थर्ड ऑफ द राइट क्लाविकल, ठीक है जी। तो ये क्या है हमारे पास, राइट क्लाविकल का मिडल वन थर्ड पार्ट का ये जो है वो फ्रैक्चर हुआ है, कौन सा है, बेसिकली ये ओब्लीक नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, ठीक है। जो मैंने आपको फ्रैक्चर की टाइप्स भी बताई थी उसमें फर्दर भी टाइप्स होती हैं, डिस्प्लेस्ड है, नॉन डिस्प्लेस्ड है, और भी बहुत सी होती है, लेकिन आपको जो मैंने पढ़ाई है अगर आप वो भी कर लें तो आई थिंक इस लेवल पे आपके लिए एनफ होगा, ठीक है बच्चों। तो अगेन वही बात है कि आप इसमें स्ट्रक्चर भी वहां पे पूछे हुए तो आपने भी बताना है कि ओलिकोरोनल प्रोसेस है, कोराकोइड प्रोसेस है, ह्यूमरल हेड है, या रिब्स है, फर्स्ट रिप है, सेकंड या थर्ड रिप है, ठीक है। तो ये आपने बता देना है कि मुझे एक्सरे में यही वाले स्ट्रक्चर नजर आए हैं, मुझे यही वाले मेजर जॉइंट्स नजर आए हैं, और मुझे ये एबनॉर्मेलिटी जो है वो उसके अंदर नजर आई है, ठीक है। जितना आप उसको क्लियर कट करके लिखेंगे उतना ही आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स जो है वो मिलेंगे। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ये, ठीक है जी। अब आप देख लें, ये हैंड के पेशेंट के बेसिकली हैंड का जो है वो एक्सरे है, ठीक है। अगेन सारे सेम क्वेश्चन है, ये क्या है हमारे पास, डॉर्सल डिसलोकेशन ऑफ द इंटरफ्रेंजियल ज्वाइंट, ठीक है, प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजियल ज्वाइंट की बेसिकली, ठीक है, ये डिस्टल है, ये प्रॉक्सिमल है, तो प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजियल ज्वाइंट ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल कार्पल का जो है वो हमारे पास क्या है, डॉर्सल डिसलोकेशन, ठीक है। तो अगेन फिर अगर इसमें और भी पूछा जा सकता है कि और कोई एबनॉर्मेलिटी या और कोई स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये बेसिकली आपका एक ओब्लीक व्यू उन्होंने लिया हुआ है, इतना अच्छा व्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल अगर आपको इसमें जो है वो ह्यूमरो जो है वो रेडियो अल्नर जॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है, और रिस्ट जॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है, और डिस्टल जो है वो इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आप इसके अंदर जो है वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। देन जो है वो नेक्स्ट आ जाता है ये, ठीक है जी। अगेन इसमें अब हम देख लेते हैं क्या आपको नजर आ रहा है, सारे वही क्वेश्चन है, टू एग्जाम्पल्स ऑफ द इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स ऑफ द प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ द रिंग फिंगर्स, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास रिंग फिंगर्स, ठीक है जी, ये है हमारे पास रिंग फिंगर, ठीक है, ये आपके पास इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, ये आपको नजर आ रहा है बच्चों, बिल्कुल लाइट सा, ठीक है, ये देखिए ये फ्रैक्चर हुआ हुआ है पेशेंट का। अगेन वही बात है कि अगर अब आप जो हैंड्स होते हैं या जो पाँव होता है ना, उसमें हमें कॉर्टिकल आउटलाइंस के साथ बहुत ज्यादा जाना पड़ता है, जो मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो बाउंड्रीज बना रहे होते हैं जॉइंट की, इस वजह से, क्योंकि वहां पे स्मॉल जॉइंट्स होते हैं तो हमें उसके अंदर डिफ्रेंशिएट करना कि कोई अबनॉर्मेलिटी आ रही है, कोई फ्रैक्चर है या नहीं है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे जरा ज्यादा क्लियर है, और अगर आप उसका थोड़ा सा एक ओब्लीक व्यू का उन्होंने लिया हुआ तो उसमें हमें इतना क्लियर फ्रैक्चर नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये देखें आप, ये फ्रैक्चर लाइन है बेसिकली, ठीक है। तो अगेन इसमें भी आ सकता है, मैं आपको मतलब सिनेरियो बना के दे सकती हूँ कि कोई पेशेंट है वो आपके पास आया है और वो जो है वो जरूरी नहीं है कि फॉल एंड आउटस्ट्रेच हैंड है, ठीक है,
कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री के साथ भी आ सकता है, क्योंकि उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, बाइक से गिर गया है वो, और उसका जो है वो सारा प्रेशर हाथ पे आ गया था, और अब वो जो है वो क्या कंप्लेन कर रही है या क्या कंप्लेन कर रहा है, वो ये कंप्लेन कर रहा है कि उसे जो है वो ग्रिपिंग में उसको जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और स्पेसिफिकली उसकी स्वेलिंग जो है वो हमें नजर आ रही है इंटरफ्लेंट प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंट जॉइंट वाली साइड, ठीक है। तो आप जो है वो फॉलोइंग नीचे एक्सरे अटैच्ड है, आप बताएं कि इसमें इस एक्सरे में क्या एबनॉर्मैलिटी है, क्या स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, कौन सी साइड का एक्सरे है, और जो है वो कौन से मेजर जॉइंट्स जो है वो आपको नजर आ रहे हैं, और क्या इसका आप डायग्नोसिस बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपको सारा एक सिनेरियो बना के आएगा, लेकिन डेफिनेटली जब आप जो मैं इतने सारे इमेजेस दिखा रही हूँ इनको पढ़ लेंगे, एक दफा देख लेंगे, तो आपको जो है वो डायग्नोस करना ईजी हो जाएगा। ओके जी, देन सॉरी, ओके जी, ये अब नेक्स्ट अगेन हैंड का ही एक्सरे है, और इसमें हमारे पास क्या है जी, फ्रैक्चर ही है, एंगुलेटेड फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल बॉक्सर्स फ्रैक्चर भी जिसको हम कहते हैं, ठीक है जी। फिफ्थ मेटाकार्पल का ये आपको एंगुलेटेड फ्रैक्चर जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है, ये फ्रैक्चर लाइन है बेसिकली, ठीक है। बॉक्सर्स फ्रैक्चर इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप पंच करेंगे तो आपका जो मोस्ट कॉमनली ज्यादा हिट करने वाला एरिया होता है वो इसके ऊपर आपका डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट जो है वो फिफ्थ आपका फ्लेंजिस का इसके ऊपर ज्यादा जाने के जो है वो चांसेस होते हैं, ठीक है। अगेन देखें, इसको भी अगर आप सिनेरियो कर सकते हैं कि कोई बॉक्सर आपके पास आया है, ठीक है, या कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसने किसी जो है वो बॉक्सिंग में जो है वो पार्टिसिपेट किया हुआ था, ठीक है, अपने स्कूल में या कॉलेज में, और वहां पर जो है वो उसने आफ्टर उसकी जब वो बॉक्सिंग की एक्टिविटी खत्म हो गई है उसके बाद उसको एक सडनली जो है वो पेन जो है वो स्टार्ट हो गया फील होना, ठीक है, तो आज जो है वो बताएं कि इसका, और वो आपके पास एक्सरे करवा के आया है, ठीक है, तो आप बताएं कि उसको क्या जो है वो एक्सरे में फाइंडिंग्स जो है वो आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो अगेन आप सारा कुछ बताएंगे, स्ट्रक्चर भी बताएंगे, एबनॉर्मैलिटी भी बताएंगे, जॉइंट भी बताएंगे, और जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो जरूर आप मेंशन करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट, अच्छा जी, ये तो बड़ा क्लियर कट सा वैसे एक्सरे में हमें नजर आ रहा है कि कोई फॉरेन बॉडी आई हुई है, ठीक है जी। फॉरेन बॉडी इन दिस केस अ नीडल थ्रू द टर्मिनल फैलेंस, ठीक है जी। टर्मिनल फैलेंस ही हमें क्या नजर आ रही है, एक फॉरेन बॉडी कोई भी है जो कोई बेसिकली नीडल है एक गुजर गई हुई है, ठीक है। अगेन वही बात है, इसका भी स्नैरियो बन सकता है कि कोई फीमेल है, वो 36 इयर्स ओल्ड है, और वो बेसिकली क्या है, वो टेलरस है, ठीक है जी, कपड़े स्टिच करती हैं, और वो जो है वो यहाँ स्टिचिंग करती हैं, ठीक है, या निटिंग करती हैं, और वो है इनको उसी एक्टिविटी के दौरान जो है वो नीडल उनके पास हो चुकी हुई है, ठीक है, या क्या पास हुआ है हमें ये भी पता नहीं चला, ठीक है। जैसे वो कुछ छोटी वाली नीडल होती है ना, अगर वो भी पास हो गई और पेशेंट को एकदम से आइडिया नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप उसको जो है वो आइडेंटिफाई करें, या कोई भी और जो है वो आपको फॉरेन बॉडी नजर आ सकती है। जैसे मैंने आपको जो पहले पढ़ाया था तो उससे मैंने आपको दिखाया था सेफ्टी पिन थी एक बच्चे के स्टमक के अंदर, ठीक है ना, उसने वो इनहेल कर ली, खेलते खेलते बच्चे ने स्टमक में वो ले ली और वो उसके स्टमक में चली, ठीक है। इस तरह से कोई भी फॉरेन बॉडी हो सकती है, लेकिन आपने आइडेंटिफाई जरूर करना होता है कि वो फॉरेन बॉडी है कौन सी, ठीक है। ये तो बड़ा क्लियर कट हमें नजर आ रहा है ना कि नीडल है, तो कभी कभी आइडेंटिफाई नहीं होती। ओके जी, देन कम्स, अच्छा जी, ये वाला एक्सरे है, इसमें हमारे पास क्या नजर आ रहा है आपको, ये अगेन ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है, ठीक है जी, फ्रैक्चर ही है, फ्रैक्चर ऑफ द मिडिल थर्ड ऑफ द ह्यूमरल शाफ्ट। अच्छा, एक और बात बच्चों यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताई, देखिए हमने पढ़ा है फॉरेन बॉडी थ्रू द टर्मिनल फैलेंस, ठीक है। अब आप देखें, ये आपने जरूर मेंशन करना, आपने सिर्फ ये नहीं करना, कुछ स्टूडेंट होंगे वो मेंशन कर देंगे जी सिर्फ फॉरेन बॉडी नीडल, नो, आपने मेंशन करना है कि थ्रू मिडिल फैलेंस थी, टर्मिनल फैलेंस थी, डिस्टल फैलेंस थी, ठीक है। तो अब वहां पे हमने मेंशन किया हुआ है कि यहां से फॉरेन बॉडी थ्रू द टर्मिनल फैलेंस, और वो फॉरेन बॉडी कौन सी है वो भी हमने लिख दी है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर वो मिडिल फैलेंस से पास करी है तो वो भी आपने मेंशन करना है, मतलब जहां से जो एरिया है उसको आपने स्पेसिफाइड करना है, ठीक है। क्योंकि आपने अगर कभी एक्सरेज की रिपोर्ट देखी होंगी तो हमेशा एक्सरेज की रिपोर्ट्स भी इसी तरह से कन्फाइंड फॉर्म में होती हैं, उन्होंने पूरा एक मेंशन किया होता है प्रॉपरली कि इस एरिया में, इस रीजन में ये जो है वो इशू आ रहा है, यहाँ पे एबनॉर्मैलिटी आ रही है। ओके जी, अच्छा ये था, उसके बाद इमेज हमारे पास आ गया, ठीक है बच्चों। अब इस इमेज में हमें क्या नजर आ रहा है, फ्रैक्चर ऑफ द मिडिल थर्ड ऑफ द ह्यूमरल शाफ्ट, ठीक है। उसके अगेन वो बाकी सेम क्वेश्चंस है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली पेशेंट का लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी है, ठीक है, और उसके बाद ये आपको नजर आ रहा है, ये देखिए ये फ्रैक्चर हो गया। अब यहाँ पे हमने फ्रैक्चर की टाइप बच्चों मेंशन नहीं की हुई है, ठीक है, लेकिन ये आपको
मैंने वैसे पहले भी स्लाइड्स में दिखाया था, ये स्पाइरल फ्रैक्चर है, ठीक है, ये इसमें एपी में भी नजर आ रहा है और ये पोस्टीरियो इंटीरियर व्यू है और ये एपी व्यू है, ठीक है, तो दोनों व्यू में ही हमें क्लियर हो रहा है, लेकिन जो पोस्टीरियो इंटीरियर व्यू है, पीए व्यू जिसको हम कहते हैं, उसमें हमें ज्यादा क्लियर कट पता चल रहा है ये फ्रैक्चर का। ओके जी, नेक्स्ट कंडीशन ये है हमारे पास, ठीक है जी, ये अब आपके वर्टिब्राज आ गए हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक वेज कंप्रेशन ऑफ L2, ठीक है जी। अब जब बच्चों आप एक पूरा स्पाइन देखते हैं, ठीक है, आई डोंट थिंक सो, शायद मैंने ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन आप लोगों ने एक सिंपल स्पाइन का पूरी एक्सरे निकाल के उसके ऊपर आप ना देख लीजिएगा कि नमनी किस तरह करनी है, ठीक है, यानी कि C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ठीक है, फिर इसी तरह से T12 तक जाए, T12 से पीछे नीचे L1, L2, L3, ठीक है। इसके अलावा जो आपको पता है, बच्चों म्यूट कर लेंगे, ठीक है, इसके अलावा जो है वो कुछ आपको पता है कि हमारे पास एनाटॉमिकल मार्किंग्स होती हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो आपने पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है, जैसे कि आपका इंटीरियर सुपीरियर आइलिक सुपाइन है, ठीक है, वो किस लेवल पे है, या जो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला है वो T11 के लेवल पे जो है वो ऑलमोस्ट आ रहा होता है, ठीक है, तो इस तरह से भी हम मार्किंग जो है वो बॉडी की करके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है, कि ये कौन सा लेवल है, कौन से लेवल का ये वर्टिब्रा है, ठीक है। इसके अलावा अगर नहीं है तो वो फिर यही है कि आप सिंपल जो है वो रूल से क्या है कि आप L1, L2, L3, L4 मतलब आप शुरू से स्टार्ट हो जाए और फिर आप नीचे आते आते उसको आइडेंटिफाई कर लें कि ये कौन सा जो है वो बेसिकली वर्टिब्रा है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली क्या था हमारे पास, पोस्ट ट्रॉमेटिक वेज कंप्रेशन ऑफ L2, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास था L1 और ये है आपके पास L2, ठीक है, तो ये आप देखें ये कंप्रेशन नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये L2 पे आपको एक कंप्रेशन जो है वो जॉइंट का नजर आ रहा है, ठीक है। ये यूजुअली आपको बच्चों मिलता है जब पेशेंट आपके पास आता है किसी भी एक्सीडेंट की हिस्ट्री के साथ, ठीक है, स्पेसिफिकली जो कि ड्राइवर होता है, ठीक है, जब वो गाड़ी चला रहा है और अगर वो इंटीरियर साइड पे उसका हेड जो है वो हिट हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एकदम से जो वर्टिब्राज हैं आपके लंबोसैक्रल या जो लोअर थोरैसिक और अपर लंबर आपका एरिया है, ठीक है, वहां पे कंप्रेशन फ्रैक्चर या वैसे ही वर्टिब्राज का कंप्रेशन जो है वो होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी अगेन वही बात है कि आपको स्नैरियो भी बना के दिया जा सकता है। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास ये आ गया है, ठीक है, अगेन अब आप देखें कि इसमें आपको स्पाइन नजर आ रही है, ठीक है, T12 तक ये हो जाएगा, फिर L1, L2, L3, L4, L5। अच्छा जी, इसमें क्या है, बर्स्ट फ्रैक्चर ऑफ T11 एपी एंड लैटरल रेडियोग्राफ्स, ठीक है जी, ये एपी व्यू है और ये लैटरल व्यू है जिसमें हमें क्या है T11 ये है, 12 ये है, ठीक है, T12 तक आपको पता है कि ये थोरेसिक, क्योंकि जो है रिब्स यहाँ पे आके खत्म हो रही है, ठीक है, तो रिब्स जहाँ पे आके अटैच होकर खत्म हो जाएंगी, वहां से आगे आपका लंबर रीजन जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली ये आपको फ्रैक्चर नजर आ रहा है जिसको उन्होंने लिखा हुआ है बर्स्ट फ्रैक्चर, ठीक है, इसको हम बर्स्ट फ्रैक्चर भी कह सकते हैं, इसको हम कंप्रेशन फ्रैक्चर भी जो है वो कह सकते हैं, ठीक है, आप ज्यादातर जो है वो टर्म यही सुनेंगे, कंप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ वर्टिब्राज, ठीक है, ये बहुत कॉमन होता है ट्रॉमा की हिस्ट्री के साथ, एक्सीडेंट की हिस्ट्री के साथ, तो इसमें यूजुअली वैसे तो चले ट्रीटमेंट प्लान की तरफ हम नहीं जाते कि क्या करते हैं, लेकिन रेस्ट होता है और उसके बाद फिर सर्जिकल इंटरवेंशन होती है यूजुअली, ठीक है, जो कंप्रेशन फ्रैक्चर होता है, क्योंकि अब आप देखें टोटली वर्टिब्रा जो है वो क्या हो चुका है, कंप्रेस्ड होकर खत्म हो चुका होगा, लेकिन एनीवेज हमारा यहाँ पे ट्रीटमेंट तो नहीं डिस्कस करना, हमने सिर्फ अभी क्या करना है, रेडियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डायग्नोज जरूर करना है, लेना है कि वो किस पॉइंट पे है, किस लेवल पे। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, अभी आपको मेजर हिप ज्वाइंट का एक्सरे जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है जी, इंट्रा कैप्सुलर डिस्प्लेस्ड लेफ्ट नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर, ठीक जी, तो ये आपके पास बेसिकली नेक ऑफ द फीमर है, ठीक है जी, इसका फ्रैक्चर है, और मैंने आपको बच्चों बताया था, शायद आपको याद होगा कि जो भी हमारे पास ओल्ड एज के साथ पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, यूजली 50 से अबव के जो होते हैं उनमें चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा के जो नेक ऑफ द फीमर के फ्रैक्चर के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, कोई भी पेशेंट है अगर वो उसका हिप साइड पे इंजरी आई है, ठीक है, या तो वो लेटर साइड पे गिर गया है, ठीक है, स्टेयर चढ़ते हुए उतरते हुए गिर गया है, या कोई एक्सीडेंट से गिर गया, जैसे मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि हमारे पास एक पेशेंट आई थी, वो उमरा पे गई थी और वो गिर गई थी और उन्होंने अपना एक्सीडेंट नहीं करवाया था, ठीक है, और उनका फ्रैक्चर था, तो यूजुअली जो भी अगर अबव 50 के साथ आपके पास कोई पेशेंट आया है और हिप पे उसकी इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री है,
तो यूजली हमारे पास चांसेस होते हैं कि नेक ऑफ द जो फीमर होती है उसका फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है। ये जो टोटल हिप रिप्लेसमेंट, शायद आप लोगों ने कभी वर्ड सुना हो, ठीक है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट में भी हमारे पास जो सबसे ज्यादा चांसेस हुए होते हैं, जो कि रिप्लेस करने के रीजंस होते हैं, कॉजेस होते हैं, इंडिकेशन होती है, उसमें हमारे पास नेक ऑफ द फीमर का फ्रैक्चर होता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा इजी सा आपके पास अगर सिनेरियो आ जाए कि अगर कोई 55 इयर्स अबव जो है वो कोई पेशेंट है, ठीक है, और वो स्टेयर्स क्लाइंब करते हुए, ठीक है, उसको डिजीनेस हुई और वो गिर गया, ठीक है, अपने लेटरल साइड पे, ठीक है, और उसका बॉडी का सारा वेट जो है वो उसकी लेटरल साइड पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्या है कि पेशेंट को स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, ठीक है, पेशेंट की जो है वो वेट बेरिंग उसको पोअर हो रही है, ठीक है, और वहां पे जो हिप का एरिया है, लेफ्ट हिप का जो एरिया है, वहां पे उसको क्या है, स्वेलिंग है, टेंडरनेस है, पेन है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन के सारे साइंस आ रहे हैं। तो आप जो है वो उसने या फिर एक्सरे करवाया है और उसकी एक्सरे की फाइंडिंग्स क्या है अब आपने उसकी बतानी है, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से स्टेरियो बनेगा और आप उसका फिर आंसर जो है वो बता देंगे। तो जैसे मैंने आपको बता दी कि कुछ चीजें हमें स्नैरियो से ही हिंट मिल जाता है कि क्या जो है वो डायग्नोसिस हो सकता है पेशेंट का, ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट, अच्छा जी, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप लोग मोस्टली यहाँ पे मेरा ख्याल है सारे ही शायद फिजियोथेरेपिस्ट बच्चे ही हैं, ठीक है बच्चा। तो ये हमारे पास एक पेशेंट आते होते हैं यूजली टीएमजे जॉइंट जो है हमारा, ठीक है, उसके फ्रैक्चर के साथ या उसकी फ्रैक्चर से ज्यादा डिसलोकेशन या सबलक्जेशन, ठीक है, फ्रैक्चर तो बहुत कम मिलता है, फ्रैक्चर हमें मिल जाता है, मैंडिबल का फ्रैक्चर मिल जाता है, ठीक है, वो भी यूजली यही होता है कि कोई एक्सीडेंट है, कार एक्सीडेंट है, ठीक है, कोई नेक की इंजरी थी, ठीक है, तो उसमें जो है वो मैंडिबल का फ्रैक्चर हो सकता है। इसके अलावा जो ज्यादा हमें मिलते हैं वो हमें मिलते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, जिसको हम टीएमजे जॉइंट कहते हैं, उसकी या तो सबलक्जेशन हो जाती है, ठीक है, या उसकी जो है वो डिसलोकेशन हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये अब अगेन इसका भी आपको लेबलिंग पता होनी चाहिए, ये मैंडिबुलर का कंडाइल्स है, ये कोराकोइड प्रोसेस है, और ये आपके पास जो है वो बेसिकली मैंडिबुलर एमिनेंस होती है या आर्टिकुलर एमिनेंस होती है, जिसके साथ ही मिलके जॉइंट बना रहा होता है, ठीक है। तो इसमें अब अगेन हम देखें अगर कि डिसलोकेशन होती किस तरह, ठीक है, या इसका मैं आपको एक सिनेरियो बना के दिखा दूं, तो सिनेरियो में मैं आपको बताती हूं कि किस तरह होता है, ठीक है। ये देखें, आपको ये जरा शायद ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है, ये देखें, ये आपके ये इसका जो है वो निकल के बाहर आ गया, ठीक है, आर्टिकुलर एमिनेंस से कंडाइल जो है वो बाहर निकल के आ गए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चे, अब इसमें भी अगेन जो है वो बन सकता है एक सिनेरियो आपके पास कि एक पेशेंट है, वो कहती है कि जी वो उन्होंने कोई हार्ड चीज, ठीक है, लेट सपोज हम कर लेते हैं उन्होंने कोई नट्स जो है वो खाए, ठीक है, हम कर लेते हैं अर्ली एज में कोई पेशेंट आ गया, लेट सपोज हम कहते हैं कि 27 इयर्स की फीमेल है और वो नट्स जो है वो खा रही थी, ठीक है, कि एकदम से उन्हें ऐसे लगा है कि एक शार्प सी उनको जो है वो क्रैकिंग साउंड आई है, ठीक है, उनके जॉ से उनको एक क्रैकिंग साउंड आई है और सडन वहां पर उनको जो है वो पेन स्टार्ट हो गई है, और जब वो अपने माउथ ओपनिंग और माउथ क्लोजिंग, ठीक है, दोनों पे जो है वो क्या कह रही है, कह रही है कि उनको पेन हो रही है, ठीक है। अब बच्चों आप लोगों ने जब थेरा अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे टीएमजे डिसलोकेशन के वहां पे काफी सारे रीजन लिखे हुए हैं, जो अगर जो लोग च्युइंग बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, च्युइंगम बहुत ज्यादा खाते हैं तब भी उनका डिसलोकेट हो जाता है, ठीक है। मैं अगर आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे पास एक पेशेंट आती थी एंड शी वॉज अराउंड आई थिंक 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, एंड उनका क्या है कि केस था कि उनको स्ट्रेस की वजह से वो क्या करती थी, टीथ क्लंचिंग बहुत ज्यादा करती थी, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से टीथ क्लंचिंग करती थी, मतलब ऐसे करके अपने दांतों को दबाती थी बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो इतना दबाती थी किसी स्ट्रेस में कि वो उन्होंने अपने इस जॉइंट को यहाँ से पकड़ के डिसलोकेट ही कर दी। देखो ना, आप एक दफा सारे बच्चे अगर अपना टीथ क्लेंच करके देखें तो आपको पता चलेगा कि हम जब टीथ क्लेंच करते हैं तो हमारा टीएमजे के ऊपर बिल्कुल लाइट सा एक प्रेशर जो है वो जाता है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली आपका ये पूरा जॉ का जॉइंट बना हुआ है, तो जब आप रेपिटेडली जो है वो क्लिंचिंग करेंगे प्रेस करते जाएंगे तो क्या होगा, जो यहाँ पे कार्टिलेज है वो पकड़ के खत्म हो जाएगी, ठीक है, और ये डिसलोकेट करके या सबलक्जेट करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगेन आपके पास स्नैरियो बन सकता है, ये भी स्नैरियो बन सकता है कि पेशेंट जो है वो एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से उसको सेल्फ जो है वो क्लिंचिंग करने की आदत थी, ठीक है, जैसे कि मैं आपको अपनी पेशेंट का बता रही हूँ, तो वो कहती थी कि मैं रात को सोने से पहले या अक्सर नींद में उठ के जो है वो इस तरह से क्लिंचिंग शुरू कर देती हूँ, ठीक है, उनके कोई भी फैमिली इश्यूज थे, आई डोंट नो। तो बेसिकली इस तरह से स्नैरियो आपके पास आएगा, ठीक है, या कोई पेशेंट ने हार्ड चीज खा ली है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ कि एक पेशेंट थी, उनका क्या केस था कि उन्होंने कहा जी कि वो हमारे पास आई, ठीक है, टीएमजे सबलक्जेशन के साथ,
एंड शी सेड कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जो है वो डबल पैटी बर्गर बेसिकली उसका खाया है, केएफसी का था या आई डोंट नो मैकडोनल्ड्स का, ठीक है, डबल पैटी बर्गर मैंने खाना था। तो डबल पैटी बर्गर खाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपना बहुत ज्यादा माउथ जो है वो ओपन किया, ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा माउथ ओपन करके उसको खाने की बाइट करने की कोशिश की है, तो मुझे एकदम से जो है वो अपने माउथ से एक जर्क सी या क्रैकिंग साउंड आई है, और उसके बाद मुझे कंटिन्यूसली पेन हो रही है, ठीक है जी, और मुझे ऐसे लग रहा है कि जब मैं माउथ ओपन कर रही हूँ क्लोज कर रही हूँ तो वो मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है बच्चों। तो फिर उसकी इसको हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है, वो एक टेक्निक होती है प्रॉपरली, वैसे यहाँ पे मेंशन है लेकिन आप लोगों को अभी इस लेवल पे शायद अगर थेरा में आप पढ़ेंगे तो थेरा में लिखी हुई है वो टेक्निक, ठीक है। लेकिन एनीवेज क्योंकि हम यहाँ पे ट्रीटमेंट में नहीं जा रहे, तो जो सब लग्जेट किया हो या डिसलोकेट भी हो तो हम उसको रिड्यूसिंग टेक्निक होती है, रिडक्शन की टेक्निक से उसको किसी जगह पे ले आते हैं, ठीक है, और फिर पेशेंट से कहते हैं कि अपनी वो एक्टिविटीज की मॉडिफिकेशन करें, यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड फूड ना खाए, क्लिंचिंग ना करे, च्यूइंग ना करे, और बहुत सारे और भी डिसेस होते हैं। सो ये मैंने अगर आपको एक स्नैरियो बताया है कि आप देखें कि उसने सिर्फ क्या किया, डबल पैटी बर्गर था और उसने उसको खाने के लिए अपने जॉ को एक्स्ट्रा जो है वो खोलने की कोशिश की है, और क्या हुआ कि वो वहां से उसका जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो गया, ठीक है। तो बच्चों अगेन वही है कि इस तरह से आपको स्नैरियो जो है वो बन के आएंगे, ठीक है। इसका एक्सरे इमेज मैंने आई थिंक नहीं डाला हुआ, ठीक है, या आई थिंक लास्ट वाली स्लाइड में, ओके जी। अगेन ये एक आपके पास एक्सरे इमेज है और इसमें हम देख लेते हैं जी क्या है फाइंडिंग्स। डिस्टल फेमोरल इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर treated with locking plate and intra-articular screw, ठीक है बच्चों। अब ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आपने, जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉरन बॉडी आ गई है, तो आपने क्या करना है, फॉरन बॉडी को आइडेंटिफाई कर देना है, ठीक है, कि फॉरन बॉडी हमारे पास नीडल है, हमारे पास कुछ भी है, कोई भी फॉरन बॉडी है, ठीक है, वट एवर इट इज, ठीक है। जैसे कि एक पेशेंट हमारे पास आया था, उसने कॉइन जो है वो उसके स्टमक में हमें कॉइन नजर आ रहा था, ठीक है, वो बच्चा था, उसने कॉइन जो था वो बेसिकली खा लिया था, ठीक है। तो कोई भी फॉरन बॉडी है, एक तो आपने वो आइडेंटिफाई करनी है। सेकंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है बच्चे वो क्या है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है, ठीक है ना, तो पोस्ट ऑप एक्सरे या पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरे जिसको हम कहते हैं, अगर वो पेशेंट ने कराया है तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको उसमें क्या फाइंडिंग नजर आ रही है कि कौन सा कोई स्क्रू डला हुआ है, प्लेट डली हुई है, नेल्स डले हुए हैं, ठीक है, वो आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने जो है वो पढ़ा है कि क्या डले हुए हैं, बेसिकली फेमोरल फीमर का जो था वो डिस्टल फ्रैक्चर तो था इंट्रा आर्टिकुलर, ठीक है, क्या लगा हुआ है, लॉकिंग प्लेट एंड इंट्रा आर्टिकुलर स्क्रू, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रू भी हुए हैं, ठीक है, और क्या है साथ साथ हमारे पास लॉकिंग प्लेट है, ठीक है, आप देखें ये प्लेट है बेसिकली, और ये आपके पास स्क्रू नजर आ रहा है जिसके ऊपर ये जो है वो गोल गोल से आपको नजर आ रहे हैं, क्या कह सकते हैं, रिंग्स नजर आ रही हैं, ठीक है ना, रिंग्स जो नजर आ रही हैं आपको, ये रिंग्स जहाँ नजर आ रही होती हैं नेल के ऊपर जहाँ रिंग्स नजर आ रही होंगी वो बेसिकली स्क्रू होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, स्क्रू, इंट्रा आर्टिकुलर स्क्रू डला हुआ है, और साथ जो है वो क्या है, एक जो है वो प्लेट साथ डली हुई है, ठीक है। तो ये आपने फिर आइडेंटिफाई करना है कि अगर कोई भी पोस्ट ऑपरेशन पेशेंट का हुआ हुआ है तो उसमें उसको कौन कौन से जो है वो उसकी रिडक्शन हुई हुई है, तो वो किस कौन से उसमें इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज हुए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर ये एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है कि डिस्टल फेमरल इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, ठीक है, यानी कि आपने सिर्फ ये नहीं बताया कि एक्सरे में हमने स्क्रूज और प्लेट नजर आ रही है, बल्कि हमने ये भी बताया है कि फ्रैक्चर कौन सी जगह का हुआ होगा, ठीक है, ये देखें ये फ्रैक्चर हुआ है, ये इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर हुआ है, ये देखिए ये, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है कि पकड़ के उसको जो है वो प्लेट और स्क्रू के साथ जो है वो जोड़ दिया है, और अब ये बोन जो है वो खुद ही से यहाँ से कैल्सिफिकेशन हो जाएगी और हील हो जाएगी, ठीक है। कुछ केसेस में हम इसको रिमूव कर देते हैं और कुछ केसेस में फिर ये क्या होता है, लाइफ लॉन्ग जो है ये इंटरनल लगी रहती है, ठीक है। अब कुछ केसेस में ये होता है, अगर ये जो कंडाइल्स आपको नजर आ रहे हैं ना ये वाले, कभी कभी हमारे पास एक पेशेंट आया था, उनके ये कंडाइल्स का फ्रैक्चर हो गया था, ठीक है, एक बच्चा था आई थिंक 7 ईयर्स का, और वो अब बालकनी जो होती है ना घर की, ठीक है, या टेरेस जिसको हम कहते हैं, वहां से वो गिर गया बच्चा, ठीक है जी, और आई थिंक सेकंड फ्लोर था या कोई थर्ड फ्लोर था, तो उसका जो फेमोरल कंडाइलस से उसका यहाँ से नॉन डिस्प्लेस्ड ओब्लीक फ्रैक्चर हो गया था, ठीक है। तो उसके 3 नेल्स यहाँ पे डले हुए थे और 3 नेल्स यहाँ पे डले हुए थे, ठीक है। तो अब आपने बेटा ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि पेशेंट का अगर पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरे आपको दिखाया जाए, ठीक है, तो वो एक्सरे के अंदर क्या आपको फाइंडिंग नजर आ रही है, ठीक है, क्यों उसकी भी प्लेटिंग, प्लेट डली, स्क्रू डला, नेल डला, तो वो क्यों डला हुआ है, ठीक है, फ्रैक्चर था,
या जो भी एबनॉर्मेलिटी थी उसकी वजह से डला हुआ है, ठीक है। यूजली फ्रैक्चर की केसेस में ही हम डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने फिर ये दोनों पॉइंट्स को जो है वो वहां पे आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। लेकिन अगेन वही बात है कि आपको सिनेरियो बेस्ड बना के ये क्वेश्चन आएगा। ओके जी, ये हमें नजर आ रहा है अगेन आपके पास हिप जॉइंट है, ठीक है जी। देख लेते हैं, डिसलोकेशन है, पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द राइट हिप, नोट द पोस्टीरियर कॉलम फ्रैक्चर ऑफ द एसेटबिलम, ठीक है जी। ये है हमारे पास, या तो ये अब आपको साफ साफ अच्छे इसमें नजर आ रहा है कि ये हमारे पास जो था वो एसेटबिलम था, ठीक है जी। ये और यहाँ से ये जो हमारे पास फीमर का हेड है, ठीक है जी, ये डिसलोकेट करके अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया या डिसप्लेस हो गया, ठीक है। और दिस इज बेसिकली द पोस्टीरियर डिसलोकेशन। आप वैसे इस लेवल पे वैसे तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना आना भी चाहिए कि पोस्टीरियर डिसलोकेशन एंटीरियर है या इंफीरियर है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप सिर्फ यही आइडेंटिफाई कर दें कि वो डिसलोकेशन है और या वो कोई फ्रैक्चर है, ठीक है, तो दैट वुड बी एनफ। फ्रैक्चर में आप टाइप जरूर बचाएं बच्चे, लेकिन अगर डिसलोकेशन में अभी आपको ये नहीं आइडेंटिफाई करना आता कि कौन सी टाइप की जो है वो डिसलोकेशन है, तो आई थिंक दैट इज क्वाइट एक्सेप्टेबल, ठीक है। लेकिन अगर आप लिख देते हैं कि कौन सी डिसलोकेशन है, तो दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एसेटबिलम का फ्रैक्चर भी वहां पे मेंशन है, लेकिन आई थिंक आप इस लेवल पे इतना ज्यादा ना जाए, ठीक है, क्योंकि बड़ी छोटी सी बोन होती है, ठीक है। लेकिन आप मेजर जो इसमें फोकस करें उस पर करें कि हमारे पास हिप की डिसलोकेशन जो है वो हो गई है, ठीक है। अगेन ये कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री के साथ आपको पेशेंट जो है वो शो हो रहा है। ओके जी, देन ये हमारे पास नजर आ रहा है जी नी जॉइंट, इसमें देखते हैं क्या फाइंडिंग्स हैं जी। ट्रांसवर्स पटेला फ्रैक्चर, ठीक है जी, ये हमारे पास है पटेला और ये हमने लिया हुआ है इसका लैटरल व्यू, ठीक है जी बच्चे। तो ये देखें, ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो गया, यानी कि सीधी लाइन ऐसे करके पटेला का आधा हिस्सा ऊपर हो गया और आधा हिस्सा पटेला का नीचे हो गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि सीधी ऐसे लाइन लगी होगी पटेला के दरमियान में और आधा हिस्सा ऊपर और आधा नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब है ये ट्रांसवर्स पटेला का जो है वो फ्रैक्चर, ठीक है। आप में से किसी बच्चे को याद है कि मैंने आपको बताया था कि पटेला के व्यू के लिए हमने कौन सा जो है वो स्पेसिफिकली करना होता है, व्यू लेते हैं। कोई एक बच्चा बताए हैंड रेस करके, शाबाश। हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मैंने आपको बताया था कि पटेला को अगर आपने स्पेसिफाई करना हो तो कौन सा। जी आमिना जावेद, आप बताएं बेटा। मैम लेटरल व्यू लेते हैं हम। नहीं नहीं बेटा, अर्जेंट व्यू लेते हैं, जो एक स्पेसिफिक व्यू का नाम बताया था मैंने आपको जी। अर्जेंट व्यू, मर्चेंट व्यू था मैम। पक्की बात है मर्चेंट व्यू ही था मैम, जिसमें नी थोड़ी फ्लेक्स होती है। सॉरी मैम, जिसमें नी फ्लेक्स होती है तो पैटेलोफेमोरल जॉइंट मर्चेंट, पैटेलोफेमोरल की मर्चेंट व्यू, ठीक है। गुड, शाबाश, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम हो सकता है या जो भी केस हो सकता है, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे हमारे पास नजर आ रहा है एक्सरे में, ठीक है, कि मैंने आपको बताया कि ऊपर का पार्ट ऊपर और नीचे का नीचे आ गया, तो हमने उसको ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कह दिया। लेकिन इसके अलावा अगर ये मर्चेंट व्यू में होता तो हमें पटेला ज्यादा अच्छे से विजुलाइज जो है वो हो सकते। अच्छा जी, ये हमारे पास नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है, एंड आई थिंक आप लोगों को मैंने अभी चेस्ट एक्सरे नहीं पढ़ाया हुआ, ठीक है। एनी वेज, ये नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है, जब हम पढ़ेंगे तो फिर उसमें जो है वो एक आध आई विल ट्राई कि हम उसकी एबनॉर्मेलिटी जो है वो डिस्कस करें। अच्छा जी बच्चों, ये भी मैंने आपको क्लास जैसे लेक्चर में बताया था कि हील्स पर, ठीक है, पेशेंट, अब अगेन इसका सिनेरियो बन सकता है कि पेशेंट आया है आपके पास, ठीक है, और फ्लैट फीट के साथ पेशेंट है, ठीक है, फ्लैट फीट है और उसको जो है वो अक्सर जो है वो पाँव के जो सोल है उसमें पेन रहती है, ठीक है, जो प्लांटर फेशियाइटिस जिसको हम कहते हैं वो रहता है, उसको पेन रहता है, ठीक है। और अचानक वो जो है वो कहता है कि मुझे 2-3 months बैक से अपने हील के अंदर जो है वो एक स्पेसिफाइड पॉइंट के ऊपर आपको हाथ रख के या कैल्केनियम के ऊपर पॉइंट आउट करके कहता है कि मुझे यहाँ पे जो है वो पेन आता है, ठीक है, तो एक्सरे अटैच है। तो अब आप बताएं जी क्या है इसकी फाइंडिंग्स, ठीक है। तो बच्चों अगेन आपने उसमें सारा बताना होगा कि एंकल ज्वाइंट है, ठीक है, ये टेलस है, कैल्केनियम है, नेविक्यूलर है, क्यूनिफॉर्म बोन्स है, जो जो आपको फाइंडिंग नजर आ रही है वो सारी फाइंडिंग्स आपने साथ एक्सरे में बतानी होगी, ठीक है बच्चों। तो मैंने इसीलिए आपसे कहा था जब आप खुद से लेबलिंग करना शुरू कर देंगे तो आपको फिर इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि एनाटॉमी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, ये हम एक फाइंडिंग नजर आ रही है जिसमें अगेन जैसे मैंने आपको बच्चों पहले बताया था कि हमने जब भी हिप का एक्सरे लेते हैं तो आपने हमेशा पेल्विस का भी साथ पेशेंट को रिकमेंड करना होता है और हम बायलैटरल जो है वो जरूर देखते हैं, ठीक है। तो
अगर अब आप इसको और इसको जो है वो कंपेयर करें राइट और लेफ्ट साइड को, तो आपको नजर आ रहा है कि ये देखें, ये यहाँ पे नेक ऑफ द फीमर का जो है वो अगेन फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, और किस तरह से बिल्कुल वो जो है वो डिसफ्यूज हो चुका है, जाके फ्रैक्चर हुआ है और उसके बाद बोन जो है वो डिफ्यूज हो चुकी है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आपके पास शोल्डर डिसलोकेशन, नॉर्मल शोल्डर जॉइंट, ये है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर और इंफीरियर डिसलोकेशन, तीन तरह की डिसलोकेशन होती हैं। ह्यूमरल हेड ओवरलैप्स अदर बोनी स्ट्रक्चर्स ऑन एक्सरे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक हिंट मिल गई है कि आपको इंटीरियर डिसलोकेशन का कैसे पता चलेगा कि अगर ह्यूमरस का जो हेड है उसने बाकी जो बोनी स्ट्रक्चर्स हैं उनको ओवरलैप कर लिया, ठीक है। जैसे ये बच्चों आपको एक्सरे में नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये ह्यूमरस का हेड है और इसने क्या किया, बाकी स्ट्रक्चर्स को उसके आगे आके ओवरलैप कर लिया, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द इंटीरियर डिसलोकेशन, ठीक है। इसी तरह से पोस्टीरियर डिसलोकेशन का कैसे पता चलेगा, गैप बिटवीन ह्यूमरस हेड एंड अदर बोनी स्ट्रक्चर्स ऑन एक्सरे, ठीक है जी, कि हमें जो ह्यूमरस का हेड है और जो बाकी बोनी स्ट्रक्चर्स हैं उनके दरमियान में थोड़ा सा एक गैप मिलेगा, ठीक है, जो कि नॉर्मली ऐसे होता है लेकिन इसमें हमें क्या होगा, एक इस तरह से गैप मिलेगा, ठीक है। ये आप देखें गैप है, दैट इज बेसिकली 6 mm डिस्टेंस बिटवीन द मीडियल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरल हेड एंड इंटीरियर ग्लिनोइड रिम इज ग्रेटर देन 6 mm, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली रिम साइन भी कहते हैं। अगेन बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है कि एक पेशेंट है, ठीक है, ट्रॉमा की हिस्ट्री के साथ आई है, ठीक है, और उसको जो है वो शोल्डर में पेन आ रही है और एक्सरे जो है वो आपके पास अटैच है, ठीक है, तो आप बताएं कि किस टाइप की पेशेंट की इंजरी है, ठीक है, डिसलोकेशन ही मेंशन होगा आपके पास, वहां ये भी मेंशन हो सकता है कि किस टाइप की इंजरी है, ठीक है, और हो सकता है कि डिसलोकेशन के साथ उसका यहाँ पे कोई क्लेविकल का फ्रैक्चर भी आ जाए, ठीक है ना, ये तो हमारे पास सिनेरियो पे बेस्ड है ना, ठीक है, तो आप बताएं कि किस टाइप की इंजरी है, ठीक है। तो आप वहां पे देखेंगे कि अगर ह्यूमरल हेड जो है वो उसने ओवरलैप किया हुआ तो डेफिनेटली इंटीरियर डिसलोकेशन है, ठीक है, लेकिन अगर ह्यूमरल हेड और ग्लिनोइड फोसा जो है उसके दरमियान में हमें क्या नजर आ रहा है, एक गैप नजर आ रहा है, तो वो बेसिकली क्या है आपके पास, पोस्टीरियर डिसलोकेशन है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हमारे पास ये साइज थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, जिसको हम यूजली कहते हैं कि 6 mm से ज्यादा हो जाए, तो उसको हम रिम साइंस कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपसे अगेन कोई क्वेश्चन में आगे पूछा जा सकता है कि इज एनी स्पेसिफिक देयर इज एनी स्पेसिफिक साइन मेंशन थ्रू द एक्सरे एंड व्हाट इज दैट द नेम ऑफ दैट स्पेसिफिक साइन, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि जी ये हमारे पास पोस्टीरियर डिसलोकेशन है, ठीक है, और क्योंकि हमें जो है वो ह्यूमरस हेड के दरमियान में और हमें ग्लिनोइड फोसा के दरमियान में एक डिस्टेंस जो है वो नजर आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये पोस्टीरियर डिसलोकेशन है और हमें ये साइज जो है वो 6 mm से ज्यादा लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्सरे जो है वो हमें रिम्स साइंस जो है वो शो कर रहा है, ठीक है बेटा। तो ये अगेन इस तरह से आपको स्नैरियो बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। अच्छा जी, ये है बेसिकली हमारे पास, वो मैंने आपको बताई है इंटीरियर और पोस्टीरियर डिसलोकेशन, ठीक है, इसमें आपको डिफरेंशिएट हो गया, और ये आपके पास है बेसिकली इंफीरियर डिसलोकेशन। इसके लिए ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन इसमें यूजुअली ये होता है कि आपको जो ह्यूमरल हेड होगा वो आपको इंफीरियर नजर आएगा, ठीक है, जरूरी नहीं। अब ये इन्होंने बेसिकली पेशेंट से एबडक्शन करवा के या जो स्कैप्शन होता है बेसिकली एंगल उसके अंदर पेशेंट का एक्सरे लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप इसका एपी व्यू या जो है वो पीएमयू भी करवाते तो आपको जो ह्यूमरल हेड है वो इंफीरियरली उसकी जो है वो डायरेक्शन आपको जो है वो नजर आएगी, ठीक है, इसीलिए ही इसको हम क्या कह रहे होते हैं, इंफीरियर डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट कह रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये अब आपका जो शोल्डर की डिसलोकेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग स्नैरियो बेस्ड क्वेश्चन। जो हमारे पास नेक ऑफ द फीमर का फ्रैक्चर है दैट इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग स्नैरियो बेस्ड क्वेश्चन। और टीएमजे जॉइंट का मैंने आपको बताया, ठीक है, टीएमजे जॉइंट जो है उसका भी जो है वो आपके स्नैरियो बेस के अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये हमारे पास अगेन एक एक्सरे है लंबो सैक्रल रीजन का, ठीक है जी, इसमें हमारे पास क्या चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या चेंजेस आ रही है एक्सरे में, आप देखें एक्सरे में स्ट्रेटनिंग ऑफ द लंबो लंबर स्पाइन, ठीक है। अक्सर ऐसे होता है कि पेशेंट आपके पास आता है और वो आपको ये हिस्ट्री दे रहा होता है कि मैं जो है वो कुछ दिनों से मुझे अपने बैक में जो है वो एक ऑफ एंड ऑन लाइट सा पेन जो है वो फील हो रहा है, ठीक है। तो हम यूजुअली इसको डायग्नोज करते हैं, कोई उसको कोई रेडिकुलोपैथी नहीं होती है, कोई नर्व का साइन नहीं आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन जो स्पेसिफिकली लंबोसैक्रल रीजन होता है वहां पे उसको पेन आ रही होती है, ठीक है, तो उसको हम लंबैगो भी कहते हैं, ठीक है। और उसमें ये होता है कि आप जब चेक करते हैं पेशेंट को तो उसको जो लंबोसैक्रल ये पैरास्पाइनल मसल्स होते हैं यहाँ पे ये क्या हुए होते हैं, टाइट हुए होते हैं, ठीक है। तो जब ये लंबोसैक्रल के पैरास्पाइनल मसल्स टाइट हुए होते हैं तो क्या होता है कि स्ट्रेटनिंग जो है वो हो जाती है,
जी महनूर रहमान बच्चे आपने हैंड रेज किया है। मैम यहाँ पे ऊपर वायर्स भी है ना? नहीं बेटा ये मैं आपको बता देती हूँ, वेरी गुड, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया क्योंकि ये हमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। ये यूजुअली ये भी होता है कि कोई नेल्स या प्लेट्स नहीं है, ठीक है, ये आपको ब्रा के स्ट्रैप नजर आ रहे हैं, ठीक है, पेशेंट की ब्रा के स्ट्रैप्स आएंगे बेसिकली जो नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यूजुअली ये होता है कि हम ब्रा के स्ट्रैप को भी कोई नेल कोई प्लेट कोई स्क्रू को समझ जाते हैं, ठीक है। तो वैसे तो ये एक्सरे करने वालों को देख लेना चाहिए कि वो वहां से ओपन करवा के वही यूज करें, लेकिन अगर आपके पास यूजुअली फीमेल पेशेंट है, ठीक है, और कोई सर्जिकल हिस्ट्री के साथ नहीं है और आपको अगेन अगर कोई इस तरह का नजर आ रहा है तो आप उसको जो है वो कंसीडर कर सकते हैं कि वो क्या है, उनका बेसिकली स्ट्रैप की हुक्स है, ठीक है। अच्छा जी बच्चे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये एक्सरे नेक का मैंने ऐड किया हुआ है, इसमें भी बड़ा समझ के आप लोग बीइंग का फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं नेक पेन के साथ, ठीक है। हम टीचर्स जो होते हैं, ठीक है, लैपटॉप पे सारा टाइम काम करते हैं, आपको लेक्चर्स देते हैं, हमारे नेक में स्पैज़म आ जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है, जो ड्राइव करते हैं बहुत ज्यादा। इसके अलावा एक हमारे पास बहुत कॉमन सिंड्रोम है जिसको आप टेक्स्ट नेक सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है, टेक्स्टिंग बच्चे करते रहते हैं सारा दिन, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप, ठीक है जी, सारा दिन नेट पे सर्फिंग होती रहती है। तो वो अगेन उसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारा फॉरवर्ड चिन टक पोस्टर जिसको हम कहते हैं ये बन जाता है और हमारे जितने भी अपर सर्वाइकल स्पाइन के जो मसल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे लगे हुए वो सारे टाइट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी पीछे बताया था कि लंबोसैक्रल स्पाइन की स्ट्रेटनिंग हो जाती है, ठीक है, लोअर डोटिक कर्व होती है ना, ये स्ट्रेटनिंग हो जाती है। इसी तरह से ये बच्चे इसी तरह से हमारे पास नेक के जो मसल्स हैं उसमें भी अगर आपके ये सारे अपर ट्रेपीजियस स्केलिनी SCM ये सारे टाइट हो जाए तो आपके नेक किस तरह से स्ट्रेट हो जाएगी और ये आपको एक्सरे में ऐसे स्ट्रेटनिंग जो है वो नजर आएगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक्सरे है एंड दैट इज बेसिकली द स्ट्रेटनिंग ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है। तो अब अगेन वही बात है कि कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है, अगर आपके पास इस तरह की कोई हिस्ट्री आती है कि पेशेंट जो है वो आपको अपर सर्वाइकल पेन की जो है वो बता रहा है और भी बहुत से सिम्टम्स होते हैं, कभी कभी होता है कि पेशेंट के नेक के मसल्स इतने ज्यादा टाइट हो गए होते हैं कि ये स्ट्रेटनिंग हो जाती है, स्ट्रेटनिंग की वजह से नर्व जो है वो इम्पिंज होना शुरू हो जाती हैं और पेशेंट को हाथों में नमनेस टिंगलिंग ये सेंसेशन आना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक टाइम होता है कि पेशेंट को विजन उसकी ब्लर्ड हो जाती है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपके पास नेक का कोई स्नैरियो आएगा, ठीक है, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन इस तरह से स्नैरियो आ सकता है कि पेशेंट को नेक में पेन है, ठीक है, उसको सर्वाइकोजेनिक हेडेक है, ठीक है, और उसको जो है वो इवन डिजीनेस बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है, वर्टेब्रल आर्टरी भी यहाँ से पास करी होती है, डिजीनेस पेशेंट को नेक पेन के साथ पेशेंट को डिजीनेस भी हो सकती है। तो ये आपको सारी कंडीशंस होंगी तो आपको एक्सरे में ये फाइंडिंग्स नजर आ सकती हैं कि एक तो सर्वाइकल स्पाइन की स्ट्रेटनिंग नजर आएगी, ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स भी बने नजर आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं बने हुए लेकिन बने हो सकते हैं, और ये जो वर्टिब्राज हैं इसके दरमियान में स्पेसिस जो है वो भी कम हुई भी नजर आएंगी आपको। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ठीक है बच्चों, ये आपके पास नी का एक्सरे है। ओके जी, ये हमारे पास ऑस्टियोफाइट बने हुए हैं, ये बोन जो है यहाँ पे जिसको आप कहते हैं कि रगड़ खा रही होती है, ठीक है, जैसे, ठीक है, सेक्लेरोसिस है, रिड्यूस ज्वाइंट स्पेस जिसको हम नैरोइंग कहते हैं, ये भी हुई हुई है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि आप देखें स्पेसिस बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं हुई हुई, ठीक है, ऑस्टियोफाइट बने हुए लेकिन बहुत ज्यादा शार्प एज्ड नहीं बने हुए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ग्रेड वन का ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो पेशेंट को हुआ है, ठीक है बच्चों। अगेन इसमें अगर आपको सारा आ सकता है कि बताएं कि कौन सी साइट ऑफ द ज्वाइंट है, ठीक है, और कौन से स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं आपको, फीमर है, टिबिया है, फिब्यूला है, ये सारे आपने सुल्तान, ये हमने आई थिंक मिस कर दी थी, लेकिन इसमें भी अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें बहुत ज्यादा क्लियर कट ऑस्टियोफाइट आपको नजर नहीं आ रहा था, ठीक है। ये देखिए इस तरह का ऑस्टियोफाइट्स आपको नजर आते हैं, ये नोके निकली हुई, ये आपको वर्टिब्राज में भी नजर आ सकते हैं, ये आपको शोल्डर में भी नजर आ सकते हैं, ये आपको किसी भी बोनी एरिया के साथ इस तरह से ऑस्टियोफाइट जो है वो नजर आ सकते हैं, जो कि बोनी प्रोजेक्शंस होती हैं और ये यूजली आपको इंडिकेट कर रही होती हैं कि डीजनरेशन जो है वो बोन के अंदर स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अब आप देखिए ये नॉर्मल हमारे पास जॉइंट है, स्पेसिस भी नॉर्मल है, ठीक है जी, कोई ऑस्टियोफाइट नहीं बने हुए यहाँ पे, कोई बोन जो है वो उसके अंदर आपको इस तरह से वाइट वाइट सी डेपोजिशन सेक्लेरोसिस नजर नहीं आ रहा, और यहाँ पे आपको क्या है कि देखिए जॉइंट स्पेसिस भी, ये देखिए यहाँ पे भी ये ओवरलैप हो रहा है, ये ओवरलैप नहीं था, ठीक है जी, मीडियल साइड पे स्पेसिस भी कम हो रही है, ऑस्टियोफाइट्स भी बन रहे हैं, ठीक है जी। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो डिवेलप हो रहा है। ओके जी, नेक्स्ट
अच्छा जी, इस एक्सरे में ये हमारे पास बेसिकली लेटरल व्यू है आपके लंबर स्पाइन का, ठीक है बच्चे। तो अब आप देखें कि अगर हम इसमें ऊपर से देखना शुरू करें तो ये आप देखें कि इंटरवर्टिबुलर डिस्क जो है यहाँ पे सारी नॉर्मल है, ठीक है स्पेसिस, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या है, ये रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो ये यूजली आपका L5 S1 वाला रीजन है। अगर आपने अक्सर सुना हो या अगर आप आगे जाके सुनेंगे तो यूजली जो डिस्क स्लिप होती है, डिस्क स्लिप का अगर आपने नाम सुना हो तो डिस्क स्लिप हमारे पास L4 L5 L5 S1, ठीक है। सबसे ज्यादा ये जो लोअर लंबोसैक्रल और अपर लोअर लंबर और अपर सैक्रल एरिया है, ठीक है, यहाँ पे लंबर डिस्क बल्ज के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम खड़े हुए होते हैं या हम बैठते हैं और तो हमारा सारा बॉडी का वेट जो है वो इस एरिया में जा रहा होता है, ठीक है। अगर आप प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग जो है वो सिटिंग कर रहे हैं, तो आपका कमर दर्द जो निकल आती है, ठीक है ना, वो इसलिए निकलती है कि आपका सारा जो बॉडी का वेट होता है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली आप कह सकते हैं कि L4 L5 के लेवल पे जो है वो डिस्क बल्ज हुई है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो है वो स्पेसिस जो है वो रिड्यूस हुई है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा एक और चीज हमें नजर आ रही है यहाँ पे, वो क्या नजर आ रही है, ये आप देखें ऑस्टियोफाइट्स बनेंगे, ठीक है। ये देखें किस तरह से नुकीन क्लीम है, एक तो मैंने आपको नी का दिखाया ना ऑस्टियोफाइट, एक मैं आपको दिखा रही हूँ वर्टिब्रास के ऑस्टियोफाइट्स, ठीक है। ये देखें आप ऑस्टियोफाइट, तो अगर आपको ये एक्सरे दिखाया जाता है और कहता है कि पेशेंट जो है वो कोई आपके पास लेट सपोज हम कहते हैं 35 इयर्स की टीचर है, ठीक है, एक पेशेंट है जो कि 35 इयर्स की हैं, वो टीचिंग करती हैं और लास्ट वन मंथ से जो है वो कंसेक्यूटिव उनके जो है वो लेक्चर जो है वो डिलीवर कर रही हैं, ठीक है, और वो कहती हैं कि उन्हें बैक में एकदम से पेन जो है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है, जो कि ऑफ एंड ऑन है, और उनको जो है वो उनकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो है वो अफेक्टेड हुई हुई है, और ये उनका एक्सरे है, तो आप बताएं, ठीक है। तो आप इसमें क्या डायग्नोस करेंगे, एक तो आप ये डायग्नोस करेंगे कि यहाँ पे हमें क्योंकि स्पेसिस भी कम है और साथ क्या है ऑस्टियोफाइट्स भी हमें नजर आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि डीजनरेटिव डिस्क डिजीज जिसको हम कहते हैं वो जो है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो आप इसको डायग्नोस करेंगे कि ये हमारे पास डीजनरेटिव डिस्क डिजीज है, ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है हमें फाइंडिंग्स क्या है कि डिस्क जो स्पेसिस है वर्टिब्रास की वो कम हुई हुई है और हमें साथ जो है वो ऑस्टियोफाइट्स जो है वो नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस स्पाइनल हॉलमार्क्स। अच्छा जी, अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का आपने सुना हुआ होगा, सबसे पहला तो इसका हॉलमार्क होता है हमारे पास बैम्बू स्पाइन, ठीक है जी। अब आप ये देखें कि एक हमने देखा था जिसमें था स्पाइन की स्ट्रेटनिंग, ठीक है, दिस इज नॉट द बेसिकली सिंपल स्ट्रेटनिंग ऑफ द स्पाइन, बल्कि क्या हो रहा है इसके अंदर आपको डिफ्यूज हो जाता है ना, इसमें हमारे पास जो वर्टिब्रल जॉइंट्स होते हैं अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में वो क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, जो वो डिफ्यूज हो जाते हैं आपस में, तो उसकी वजह से आपको इस तरह से एक बैम्बू स्पाइन जो है वो नजर आ सकती है। अगेन बेटा, ये आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो बताएं कि ये एक्सरे जो है वो आपको नजर आ रहा है पेशेंट का, ठीक है जी, तो आप इसमें पेशेंट का फाइंडिंग जो है वो आप क्या है आपको नजर आ रही है वो आप बताएं, ठीक है। तो एक तो आप ये बताएंगे कि हमें यहाँ पे बैम्बू स्पाइन नजर आ रही है, ठीक है, उसके अलावा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट में हमारे पास जो SI जॉइंट होता है, ठीक है, सैक्रोइलिक जॉइंट, ठीक है, वो भी जो है वो फ्यूज हो जाता है। बेसिकली जब स्पाइन पूरी फ्यूज हो जाएगी तो डेफिनेटली उसके साथ जो लिंक्ड मेजर जॉइंट है आपके पास पेल्विस का, वो हमारे पास SI जॉइंट है, ठीक है, और हिप जॉइंट है, तो वो भी जो है वो इफेक्टेड होंगे, ठीक है। तो आप इसमें डैगर स्पाइन को भी आप बेशक छोड़ दें, वैसे लिख भी सकते हैं कि ऑसिफिकेशन ऑफ द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, ठीक है, अगर आपको इस तरह से एक वाइट सी थ्रेड सा जो है वो एक नजर आ रहा है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो है वो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट की ऑसिफिकेशन भी हमें नजर आ रही है, ठीक है, दैट इज बेसिकली द डैगर स्पाइन। लेकिन दो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है, एक है बैम्बू स्पाइन और दूसरा है फ्यूजन ऑफ द सैक्रोइलिक जॉइंट्स, ठीक है। तो आप अगेन अगर आपके पास कोई आता है, आपको पता है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो ज्यादातर जो हमारे पास कॉमन होता है वो मेल्स में कॉमन होता है, ठीक है। तो आपके पास हम कहते हैं कि जी पेशेंट आया है और मेल है, ठीक है, यंग एज में है और वो भी आपके पास बैक पेन की इस तरह से कंप्लेन कर रहा है, हिप की मोबिलिटी उसकी लिमिटेड है, ठीक है, क्योंकि SI जॉइंट लिमिट जो है वो फ्यूज हुआ हुआ है, तो आप जो है ये एक्सरे से बताएंगे क्या फाइंडिंग्स हैं और क्या आप इसका डायग्नोसिस जो है वो बना सकते हैं। ओके, दिस इज बेसिकली द स्लाइड विच शोज अ डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल बोन एंड द पोरस बोन, ठीक है बेटा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने जब भी एक्सरे देखना होता था हमने एक्सरे में बोन की हेल्थ स्टेटस जरूर देखना होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये एक पोरस बोन जब भी होगी तो उसमें आपको इस तरह से जो है वो बोन की जो है वो इमेज जो है वो नजर आएगा एक्सरे के ऊपर।
ठीक है. दिस इज अनदर इमेज विच शोइंग द सॉर्ट ऑफ पोरस बोन जो कि आपको एक्सरे पे जो है वो नजर आ रही होती है. ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है कि फुल जॉइंट में आपको कहीं ना कहीं, जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल ये वर्टिब्राज है तो ये पोरस होगा और ये नहीं होगा. ठीक है, तो वो फिर आपने आइडेंटिफाई कर लेना होता है कि आपको बोन कहीं से स्पेसिफिक एरियाज में आपको उसमें पोरस हुई हुई या डेंसिटी जो है वो बोन मिनरल डेंसिटी कम हुई हुई नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही. ओके जी, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. अभी आप मुझे बताएंगे जिस जिस बच्चे से मैं पूछूंगी वो. जी अब्दुल रहमान बेटा अनम्यूट करें जल्दी से, शाबाश. बताएं बच्चे इसमें आपको क्या एक्सरे में फाइंडिंग नजर आ रही है, ये यहाँ पे फोकस करके बताएं. अब्दुल रहमान जी मैम, बेटा आपको इस एक्सरे में क्या फाइंडिंग नजर आ रही है, ये जो मैं आपको ऐसे कर रही हूँ हाईलाइट, इस वाले एक्सरे में जल्दी से बताएं, शाबाश. बड़ा आसान सा बच्चे, अभी तो मैंने आपको पढ़ाया भी है, ये अभी हमने पढ़ा है. मैम इसके अंदर जो जी मैम इसके अंदर ना फीमर का फ्रैक्चर लग रहा है मुझे, वो उसके फीमर का. अस्तगफिरुल्लाह. आमिना बेटा आप बताएं. फीमर से मैम कंफ्यूज हो गई. मैम इंटीरियर डिसलोकेशन है हमारे पास शोल्डर का. सॉरी सॉरी जी जी इंटीरियर डिसलोकेशन है. शाबाश, वेरी गुड. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर आपका ह्यूमरस, ये कौन कह रहा था फीमर, किसने कहा, ये अब्दुल रहमान ने कहा है. बेटा ये रिब्स जो है वो फीमर के अंदर पहुंच गई है, बताएं आप जरा मुझे. रिब्स आपको साइड पे नजर आ रही है, यहीं से आप गैस कर लें कि ये शोल्डर जॉइंट है. वैसे तो बड़ा इजीली पता चल रहा है हमें कि ये शोल्डर जॉइंट है, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो आप एटलीस्ट यही देख लें कि एरिया कौन सा है बॉडी का. एनी वेज आपका राइट आंसर है ये आपके, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ह्यूमरस का हेड जो बाकी बोनी स्ट्रक्चर्स हैं उनको ओवरलैप कर रहा होगा तो वो क्या होगा, हमारे पास आपके पास इंटीरियर डिसलोकेशन होगी. ठीक है जी, नेक्स्ट ये है आपके पास, ये कौन सा बच्चा बताएगा हमें, दैट इज अगेन वेरी इजी. अली हसन बच्चे आप बताएं जल्दी से, शाबाश. यस मैम. बेटा ये क्या नजर आ रहा है आपको एक्सरे में, क्या चेंजेस नजर आ रही है, बता दें जल्दी से, शाबाश. पैटला का आई थिंक सो, ये डिफ्यूजन है पैटला की. चलिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ, इसको छोड़ दें, इस वाली पिक्चर के ऊपर फोकस करें, इस पे. मैम ये कंप्रेशन हुई है दो बोन्स की मेरे ख्याल में. कंप्रेशन, अभी मैंने आपको बताया इसको कंप्रेशन कहते हैं. इकरा आप बताएं जल्दी से, शाबाश. मैम इसमें जॉइंट स्पेस कम हुई हुई है. वेरी गुड, शाबाश. और इसके अलावा क्या नजर आ रहा है बच्चे? आप लोगों को इतना पढ़ाने का क्या मकसद है कि अगर आप लोग ह्यूमरस को फीमर बना दें और जो है वो इस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं. अच्छा जी, अब ये कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि ये क्या हो रहा है? हिना ताहिर बच्चे आप बताए. हिना ताहिर जल्दी से, शाबाश. बहुत आसान है, बड़ा इजी सा हमें नजर आ रहा है ना. ताहिर बेटा आप लोगों के साथ मैंने असेसमेंट प्लान शेयर किया है और उसमें आपने देखा होगा कि मैंने क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स डाले हुए हैं. ठीक है, तो वो क्लास पार्टिसिपेशन आपकी अटेंडेंस है और ये जो आप क्लास में रिस्पांस कर रहे हैं, जो नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं उनके वहां पे जीरो मार्क्स लगेंगे. स्कोलियोसिस का पेशेंट है. वेरी गुड, शाबाश. सॉरी मैम, लेटरल साइड पे बेंड है ना स्पाइन. हाँ जी बिल्कुल, ठीक है. स्कोलियोसिस हुई भी है, लेफ्ट साइड है. ठीक है, तो हम कहेंगे कि लेफ्ट साइड का स्कोलियोसिस है क्योंकि यहाँ के मसल्स की टाइट हुए हैं और यहाँ की लेंथर्ड हुए हैं. ठीक है, तो जिस साइड के मसल्स टाइट हुए होते हैं उस साइड का स्कोलियोसिस होता है. ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड का स्कोलियोसिस है. अच्छा जी, ये आई थिंक लास्ट है जी. ये कौन सा बच्चा बताएगा? ये तो बहुत आसान है. तो डिसलोकेशन है मैम, टीएमजे जॉइंट की टीएमजे का मैम डिसलोकेशन है. हां जी, वेरी गुड, शाबाश. ठीक है जी, आप ये देखेंगे ये किधर हमारे पास टेम्पोरल बोन थी और ये मैंडिबल के कंडाइल्स जो है वो
जो कंडाइल थे वो जो है वो कहाँ पे जा चुके हैं. ठीक है, तो ये सिंपल आपको डिसलोकेशन ऑफ द मैंडिबल नजर आ रही है. ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. ठीक है जी बच्चों, अभी जितनी भी मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं, एक एक मैंने आपको साथ स्नैरियो बताया है. अब इसके बावजूद बच्चों, अगर आपको जो है वो क्लियर कट ना समझ आए और आप जो है वो स्नैरियो बेस में अच्छे से ना रिस्पॉन्स करें, तो फिर आप देख लें फिर आपके मार्क्स क्या आएंगे. ठीक है जी, आप बता दें किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से शाबाश पूछ लें. मैम अगर आपने क्लास टेस्ट का रिपीट कर दिया वो मतलब अगर आपने शुरू में ही बता दिया तो रिपीट कर दें, मतलब क्लास लेट ज्वाइन किया है या किसी ने ज्वाइन की नहीं है. सॉरी बेटा दोबारा से क्वेश्चन करें. मैम क्लास टेस्ट के बारे में पूछ रही है कि आपने कुछ बताया तो बता दे, ये वो कह रही है. क्लासेस के बारे में, क्लास टेस्ट जो आपने नेक्स्ट वेडनेसडे को क्लास टेस्ट. सॉरी सॉरी, असल में ना ये क्लास में आप लोगों की आवाज बहुत मुझे खराब आती है. हाँ जी बेटा, क्लास टेस्ट में यही था कि मैंने आपको बताया है कि अब आपका ओरल क्लास टेस्ट मैंने आपको जो है वो बता दिया. ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा एंड दैट इज बेसिकली अ वाइवा. ठीक है, अब जिसमें उसमें जितने भी हमने लेक्चर्स पढ़े आज तक के लेक्चर्स सारे इंक्लूडेड होंगे. आज हमने सिक्स्थ लेक्चर पढ़ा है. ठीक है, तो जो सिक्स्थ लेक्चर्स है, फर्स्ट सिक्स लेक्चर्स वो आपके इंक्लूडेड होंगे. 5% वेटेज है उसकी और 5 questions ईच स्टूडेंट से जो है वो किए जाएंगे. ठीक है, अगर आप में से किसी बच्चे को भी लेक्चर्स आप पढ़ें, तैयारी करें, कोई मसला आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है बच्चों. ओके मैम. ठीक है, क्लियर है सबको? कोई कोई किसी के मैम सारा एक क्लास मैम नेक्स्ट वेडनेसडे को है. जी जी बेटा. हाँ जी, डेट कोई स्टूडेंट मुझसे पूछे थे आपके, बेटा जो डेट है वो है 26th May, यानी कि जो हमारी वेनसडे वाली क्लास होगी ना, नेक्स्ट वेनसडे जो कमिंग वेनसडे है नेक्स्ट वीक का, उसमें ही हम अपने ही स्लॉट के अंदर लेंगे. मैम इतने बच्चे हैं तो कैसे लेंगी आप, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे हैं, 19 मतलब. हाँ जी बेटा, देख लेंगे कि उसको किस तरह से करना है. ठीक है, जस्ट 5 questions है, हो सकता है मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम भी कर दूं इसमें, या फिर ये है कि हम डेट टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर लेंगे. वैसे तो नॉर्मली 2-3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन आप लोगों का कोई अगर स्लॉट फ्री है तो मुझे बता दें. मैम या फिर ऐसा कर लें, अपने स्लॉट में भी ले लें और जो लास्ट एंड वाला स्लॉट होता है ना उसमें ले लें, मतलब कोई क्लास नहीं होती उस टाइम हमारी, जो सिर्फ लास्ट वाला स्लॉट होता है. चलिए बेटा, उसको मैं फिर अभी देख रही हूँ, मैं मॉडिफाई करती हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको वो एक जो आपको शेड्यूल एक और सेंड करूंगी ना, जिसमें मैं आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके नाम सेंड करूंगी. ठीक है, उसमें मैं देखती हूँ कि अगर हर स्टूडेंट को आपको 5 मिनट्स लगे तो हमारा कितना टाइम रिक्वायर होता है, क्योंकि 7th slot में भी आप दूसरा सेक्शन है उसकी मेरी क्लास है, तो फिर हम देख लेंगे कि यहाँ 8th slot में ले जाएंगे हाफ स्टूडेंट्स का इस स्लॉट में हो जाएगा और हाफ का उन स्लॉट में हो जाएगा. ठीक है, एनीवेज आप लोग प्रिपेयर तो करें बच्चों. ठीक है, और उसमें कोई मसला है तो बताएं. और एवरी स्टूडेंट बच्चे, आप सब लोग, बहुत सारे बच्चे आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते क्लास में, कुछ बच्चे क्लास में प्रेजेंट ही नहीं है, और जो क्लास में आते हैं वो भी जो है वो रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं करते. इसका मतलब है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं. ठीक है बेटा, तो इसको पढ़ना शुरू कर दें. नेक्स्ट में वैसे ही आप लोगों के मिड टर्म एग्जामिनेशन आ जानी है ना जून से, तो फिर आप ये सब कुछ कैसे कवर करेंगे? ये कैसे होगा बेटा, अभी तो नहीं पता कि आपका वो कैसे होगा, अभी कोई ऐसा उसका पॉलिसी नहीं है, लेकिन आपका एग्जाम होना तो है ना, ये तो आपको पता ही है. ठीक है, चाहे ऑन कैंपस हो चाहे ऑनलाइन हो, होना तो है ही, तो इसलिए आपने पढ़ना तो है, तब भी पढ़ना है, अभी पढ़ना है, तो साथ साथ इसको पढ़ें, अदरवाइज आपके ग्रेड फिर बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगे. ठीक है, बच्चा पढ़ेगा उसी के ही मार्क्स आएंगे. जी जी मैम, एक क्वेश्चन था कि पहले आपने फ्रैक्चर की एक पिक्चर दिखाई थी जहाँ पे मेटाकार्पल्स का फ्रैक्चर था, मैम वहाँ पे जॉइंट मेंशन करना था, तो वो अबव वाला जॉइंट मेंशन करेंगे या उसके पास नीचे वाला बिलो वाला मेंशन करेंगे, इस तरह के पॉइंट्स की समझ नहीं आई. बेटा देखिए, मैम जहाँ पे मेटाकार्पल्स का था, मेरा ख्याल है वो फ्रैक्चर था हमारे पास इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर था. मैम एक मेटाकार्पल्स का था जहाँ पे वो था, आई थिंक ये वाला था. तो देखिए ना बेटा, इसमें आपने मेटाकार्पल का फ्रैक्चर है ना, तो ये हमारे पास फ्रैक्चर बेसिकली शाफ्ट का फ्रैक्चर हो रहा है. ठीक है,
तो इसको आप ये बता सकते हैं कि इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर कह सकते हैं इसको, ठीक है, या आप सिंपल कह सकते हैं कि फ्रैक्चर जो है हमारे पास कौन सा ओब्लीक फ्रैक्चर है, ओब्लीक मेटाकार्पल फ्रैक्चर, क्योंकि इसमें जॉइंट इन्वॉल्व नहीं हुआ ना, लेकिन आप प्रॉक्सिमल इन्वॉल्व हुआ ना डिस्टल इन्वॉल्व हुआ। मैम यहाँ पे नीचे ना क्वेश्चन लिखा हुआ था जॉइंट के बारे में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये देखिए, नेम द जॉइंट ऑफ अबव एक्सरे। बेटा इसमें आपने ये बताना है कि इस एक्सरे में जॉइंट्स कौन कौन से आपको नजर आ रहे हैं, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है, रिस्ट जॉइंट नजर आ रहे हैं, रेडियो अल्नर जॉइंट नजर आ रहा है, ये सारे आपने जॉइंट्स बताने हैं, प्रॉक्सिमल जो है वो इंटरफ्रेंजियल जॉइंट है, डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स है, ये सारे आपने जॉइंट्स बताने। थैंक यू मैम, हुआ या नहीं है? यस मैम क्लियर हो गया मैम, जितने भी हैं मतलब जॉइंट्स वो सब मेंशन करने हैं। हाँ, जो जो आपको मेजर जॉइंट्स नजर आ रहे होंगे ना एक्सरे के अंदर, वो आपने सारे बता देने हैं कि मुझे मुझे ये वाला एक्स जॉइंट भी नजर आ रहा है, ये भी नजर आ रहा है, और ये इसके अंदर अब नॉर्मेलिटी जो है वो ये वाला फ्रैक्चर है, ठीक है। अगर कोई जॉइंट का फ्रैक्चर होता है तो फिर उसको हम इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर कह देते हैं, ठीक है, और फिर वहां पे हम मेंशन करते हैं कि वो प्रॉक्सिमल है या डिस्टल है। लेकिन अगर शाफ्ट इन्वॉल्व है तो आप बता दें कि ये कौन से टाइप का फ्रैक्चर है, और उसके अबव और उसके बिलो जो जॉइंट आपको नजर आ रहा है उस जॉइंट के बारे में भी आप बता दें। दैट्स इट, ठीक है बच्चों, आई थिंक आप सबको क्लियर है, किसी को क्वेश्चन नहीं है तो बता दें, फिर हम क्लास एंड कर दें। नो मैम। ओके बच्चे, सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करें, ठीक है, जो ओरल क्लास टेस्ट है उसके लिए, और आप उसके, मैंने आपको वेटेज 5% बताई है, तो वो कोशिश करें कि आप 5 में से 5 ही जो है उसको स्कोर कर लें, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने इतने थोड़े से लेक्चर पढ़े, सिलेबस मैंने अब आपको अनाउंस कर दिया कि जो आज तक के हमने लेक्चर्स पढ़े हैं, यानी कि फर्स्ट 6 लेक्चर्स हो गए, ठीक है, इन फर्स्ट 6 लेक्चर्स में से ही आपका जो है वो टेस्ट का जो है जो भी आपसे क्वेश्चंस होंगे इसी में से होंगे, ठीक है। बट अगेन मैंने आपको उसमें मेंशन किया हुआ है कि स्नैरियो बेस्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, मैं आपको स्नैरियो बना के भी पूछ सकती हूँ, और आपसे सिंपल डेफिनेशन और जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे आपने पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप उससे पूछ लें। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।